हे राजन, अब एकाग्र चित्त होकर अग्निहोत्र का प्रकार सुनो। गुण के अनुसार नाम धारण करने वाले जो त्रिविध अग्नि है, उनके संबंध में यहाँ कुछ बातें बताई जाती हैं। ग्रहों का अधिपत्य ही ग्रहपत्य माना गया है। यह ग्रहपत्य जिस अग्नि में प्रतिष्ठित है, वही ग्रहपत्य अग्नि के नाम से प्रसिद्ध है। जो अग्नि यजमान को दक्षिण मार्ग से स्वर्ग में ले जाता है, उसे ब्राह्मण लोग दक्षिण अग्नि कहते हैं। आहुति शब्द सर्व का वाचक है और हवन नाम है। हव्य का सब प्रकार के हव्य को स्वीकार करने वाला हव्य अहवनीय अग्नि कहलाता है। जिस अवस्थय नामक मूल अग्नि में ब्राह्मण विधि पूर्वक हवन करता है, उसी को पंचन अग्नि भी कहते हैं। उन अग्नियों की सभा में स्थित रहने वाला एक और अग्नि है जो सभ्य कहलाता है। अवस्थय नाम वाला जो प्रथम अग्नि है, वह प्रजापति का स्वरूप है। ग्रहपत्य अग्नि ब्रह्मा जी का स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है। और यह दक्षिण अग्नि रुद्र स्वरूप है। होम के आरंभ से लेकर अंत तक जिसके मुख में आहुति डाली जाती है, वह अहवनीय अग्नि स्वयं मैं हूँ। सभ्य नामक जो पंच अग्नि है, वह स्वामी कार्तिकेय का स्वरूप है। पृथ्वी ग्रहपत्य अग्नि, अंतरिक्ष दक्षिणा अग्नि और स्वर्ग अहवनीय अग्नि है। इस प्रकार के अग्नि के तीन भेद माने गए हैं। ग्रहपत्य अग्नि गोलाकार है, क्योंकि उसकी स्वरूप भूता पृथ्वी गोल है। अंतरिक्ष का आकार अर्धचंद्र के समान है, इसीलिए दक्षिण अग्नि भी वैसा ही माना गया है। स्वर्ग लोक निर्मल निरामय और चौकोना है, इसीलिए अहवनीय अग्नि भी चौकोना ही बतलाया गया है। जो ग्रहपत्य अग्नि में हवन करता है, वह पृथ्वी पर विजय पाता है। दक्षिण अग्नि में हवन करने वाला पुरुष अंतरिक्ष को जीत लेता है, किंतु जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से प्रतिदिन अहवनीय अग्नि में हवन करता है, वह पृथ्वी अंतरिक्ष और ऋषियों सहित स्वर्ग लोक पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। यज्ञों में सब ओर से अग्नि के मुख में हवन किया जाता है, इसीलिए वह अत्यंत कांतिमान अग्नि अहवनीय संज्ञा को प्राप्त होता है। अग्निहोत्र अथवा अन्य अन्य यज्ञों में होम के आरंभ से ही अग्नि के भीतर आहुति डाली जाती है, इसीलिए भी उसे अहवनीय कहते हैं। जो द्विज अवस्थय नामक मूल अग्नि में विधिवत हवन करता है, वह अपनी पत्नी के साथ सप्त ऋषि लोक में जाकर आनंद भोगता है, तथा वह समस्त अग्नियों का प्रिय हो जाता है। अवस्थय अग्नि में जो होम किया जाता है, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। वह हो अर्थात दुख से यजमान का त्राण कराता है, इसीलिए अग्निहोत्र कहा गया है। आत्मवेता विद्वानों ने आध्यात्मिक, आधि देविक और आधि भौतिक ये तीन प्रकार के दुख बतलाए हैं। विधिवत होम करने पर अग्नि इन तीनों प्रकार के दुखों से यजमान का त्राण कराता है, इसीलिए उस कर्म को वेद में अग्निहोत्र नाम दिया गया है। विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने ही सबसे पहले अग्निहोत्र को प्रकट किया। वेद और अग्निहोत्र स्वतः उत्पन्न हुए हैं, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं है। वेदाध्ययन का फल अग्निहोत्र है, अर्थात वेद पढ़कर जिसने अग्निहोत्र नहीं किया, उसका वह अध्ययन निष्फल है। शास्त्र ज्ञान का फल शील और सदाचार है। स्त्री का फल रति और पुत्र है, तथा धन की सफलता
दान और उपभोग करने में है। तीनों वेदों के मंत्रों के संयोग से अग्निहोत्र की प्रवृत्ति होती है। ऋग, यजु और साम वेद के पवित्र मंत्रों तथा मीमांसा सूत्रों के द्वारा अग्निहोत्र कर्म का प्रतिपादन किया जाता है। बसंत ऋतु को ब्राह्मण का स्वरूप समझना चाहिए तथा वह वेद की योनि रूप है। इसीलिए ब्राह्मणों को बसंत ऋतु में अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। जो बसंत ऋतु में अगण्य धान करता है उस ब्राह्मण की श्री वृद्धि होती है तथा उसका वैदिक ज्ञान भी बढ़ता है। क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु में अग्नि धान करना श्रेष्ठ माना गया है। जो क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसकी संपत्ति, प्रजा, पशु, धन, तेज, बल और यश की अभिवृद्धि होती है। शरत काल की रात्रि साक्षात वैश्य का स्वरूप है। इसीलिए वैश्य को शरद ऋतु में अग्नि का आधान करना चाहिए। जो वैश्य शरद ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसकी संपत्ति, प्रजा, आयु, पशु और धन की वृद्धि होती है। सब प्रकार के रस, घी आदि संदिग्ध पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, रतन, मणि, सुवर्ण और लोहा, इन सब की उत्पत्ति अग्निहोत्र के ही लिए हुई है। अग्निहोत्र को ही जानने के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र और धर्म शास्त्र का निर्माण किया गया है। छंद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र और निरुक्त भी अग्निहोत्र के ही लिए रचे गए हैं। इतिहास, पुराण, गाथा, उपनिषद और अर्थ वेद के कर्म भी अग्निहोत्र के ही लिए हैं। तिथि, नक्षत्र, योग, मुहूर्त और करण रूप काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है। ऋग वेद, यजुर्वेद और साम वेद के मंत्रों के छंद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा संशय और विकल्प के निराकरण पूर्वक उनका तात्विक अर्थ समझने के लिए छंद शास्त्र की रचना की गई है। वर्ण, अक्षर और पदों के अर्थ का संधि और लिंग का तथा नाम और धातु का विवेक होने के लिए पूर्व काल में व्याकरण शास्त्र का प्रणयन हुआ है। यूप, वेदी और यज्ञ का स्वरूप जानने के लिए प्रोक्षण और श्रपण अर्थात चरु पकाना आदि की इति कर्तव्यता को समझने के लिए तथा यज्ञ और देवता के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा नामक वेदांग की रचना हुई है। यज्ञ के पात्रों की शुद्धि, यज्ञ संबंधी सामग्रियों के संग्रह तथा समस्त यज्ञों के वैकल्पिक विधानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कल्प का निर्माण हुआ है। संपूर्ण वेदों में प्रयुक्त नाम, धातु और विकल्पों के तात्विक अर्थ का निश्चय करने के लिए ऋषियों ने निरुक्त की रचना की है। यज्ञ की वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियों को धारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सृष्टि की है। समिधा और यूप बनाने के लिए वनस्पतियों की रचना की है। जो ब्राह्मण मंत्रों का विनियोग, यज्ञ पदार्थों का प्रोक्षण, चरु पकाना, दर्श और पूर्ण मास के अंग भूत अनुयाज और प्रयाज, वायु देवता का सत्वन, सामवेद के उद्गाता का कर्म, प्रति प्रस्थाता का कर्म, दक्षिणा, अवभृत्य स्नान, त्रिकाल पूजन, उचित स्नान पर देवताओं को नैवेद्य अर्पण करना, देवताओं का आवाहन, विसर्जन और हविष्य तैयार करने आदि कर्मों को नहीं जानते, वे अंधकार से भरे हुए घोर रोरव नरक में पड़ते हैं। सुवर्ण और चांदी ये यज्ञ के पात्र और कलश बनाने का काम लेने के लिए पैदा हुए हैं। कुशों की उत्पत्ति हवन कुंड के चारों ओर फैलाने और राक्षसों से
यज्ञ की रक्षा करने के लिए हुए हैं। यज्ञ तथा पूजा का कार्य करने के लिए ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ है। सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय जाति की सृष्टि की गई है। कृषि, गौ रक्षा और वाणिज्य आदि जीविका का साधन जुटाने के लिए वेश्यों की उत्पत्ति हुई है और तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्निहोत्र के ही लिए रचा गया है। जो मनुष्य अज्ञान अंधकार से आच्छंदित होने के कारण इस बात को नहीं जानते, वे रौरव नाम से प्रसिद्ध भयानक नरक में पड़ते हैं तथा उससे छूटने पर उनका कृमि अर्थात कीड़े की योनि में जन्म होता है। जो द्विज विधि पूर्वक अग्निहोत्र का सेवन करते हैं, उनके द्वारा दान, होम, यज्ञ और अध्यापन ये समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ करने, बगीचे लगाने और कुएं खुदवाने आदि के कार्य होते हैं, उन सब के पुण्य को लेकर मैं सूर्य मंडल में स्थापित कर देता हूँ। मेरे द्वारा स्थापित किए हुए संसार के पुण्य और अग्निहोत्रियों के सुकृत को सूर्य देव धारण किए रहते हैं। अग्निहोत्री पुरुष स्वर्ग में जाकर अग्निहोत्र के पुण्य फल का उपभोग करते हैं और संपूर्ण भूतों के प्रलय होने तक वे देवताओं के समान रूप धारण करके वहां निवास करते हैं। कपट पूर्वक वीरों की हत्या करने वाले दुराचारी मनुष्य दरिद्र, अंगहीन और रोगी होकर शूद्र योनि में जन्म लेते हैं। यही गति अग्निहोत्र का त्याग करने वालों की भी होती है। इसीलिए जो द्विज प्रदेश में न रहते हों और उद्धर्व गति को प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें प्रतिदिन विधि पूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र को अपने आत्मा के समान समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षण के लिए भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र का सेवन करते और शूद्र के अन्न से सदा दूर रहते हैं, जिन पर क्रोध और लोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके जितेंद्रिय भाव से विधिवत अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते, अतिथि की सेवा में लगे रहते तथा शांत भाव से रहकर दोनों समय मेरा ध्यान करते हैं, वे सूर्य मंडल को भेद कर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, जहां से पुनः इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। वे उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर अपने स्त्री सहित मेरे लोक में जाते हैं और बाल सूर्य के समान तेजस्वी होकर इच्छा अनुसार रूप धारण करते तथा जहां चाहते वहां विचरते रहते हैं। इतना ही नहीं, ईश्वरीय गुणों से संपन्न होकर वे वहां अपनी मौज के अनुसार क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हे पांडुनंदन, अग्निहोत्रियों की ऐसी ही विभूति होती है। इस संसार में कुछ मूर्ख मनुष्य श्रुति पर दोषारोपण करते हुए उसकी निंदा करते हैं तथा उसे प्रमाण भूत नहीं मानते। ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है। परंतु जो द्विज अस्तिक्य बुद्धि से युक्त होकर वेदों और इतिहासों को प्रमाणिक मानते हैं, वे देवताओं का सायुज्य प्राप्त करते हैं। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। अश्वमेधिक पर्व अध्याय 378 चंद्रायण व्रत की विधि, उसके करने के निमित्त तथा महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, हे गरुड़ ध्वज, अब आप मुझसे चंद्रायण की परम पावन विधि का वर्णन कीजिए। भगवान जी ने कहा, हे पांडुनंदन, समस्त पापों का नाश करने वाले चंद्रायण व्रत का यथार्थ वर्णन सुनो। इसके आचरण से पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य
जो कोई भी चंद्रायण व्रत का विधिवत अनुष्ठान करना चाहते हों, उनके लिए पहला काम यह है कि वे नियम के अंदर रहकर पंचगव्य के द्वारा समस्त शरीर का शोधन करें। फिर कृष्ण पक्ष के अंत में मस्तक सहित दाढ़ी मूछ आदि का मुंडन करावें। तत्पश्चात स्नान करके शुद्ध हो श्वेत वस्त्र धारण करें, कमर में मूंज की बनी हुई मेखला बांधें और पलाश का दंड हाथ में लेकर ब्रह्मचारी के व्रत का पालन करते रहें। द्विज को चाहिए कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद को नदियों के संगम पर किसी पवित्र स्थान में अथवा घर पर ही व्रत आरंभ करे। पहले नित्य नियम से निर्वित होकर एक वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और उसमें क्रमशः आधार, अज्ञ भाग, प्रणव, महाव्याहति और पंच वारुण होम करके सत्य, विष्णु, ब्रह्म ऋषि गण, ब्रह्मा, विश्वदेव तथा प्रजापति इन 6 देवताओं के निमित्त हवन करें। अंत में प्रायश्चित होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। फिर शांति और पौष्टिक कर्म का अनुष्ठान करके अग्नि तथा सोम देवता को प्रणाम करें और विधि पूर्वक शरीर में भस्म लगाकर नदी के तट पर जा विशुद्ध चित्त होकर सोम, वरुण तथा आदित्य को प्रणाम करके एकाग्र भाव से जल में स्नान करें। इसके बाद बाहर निकलकर आचमन करने के पश्चात पूर्वाभिमुख होकर बैठें और प्राणायाम करके कुश की पवित्री से अपने शरीर का मार्जन करें। फिर आचमन करके दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य जी का दर्शन करें और हाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्य की प्रदक्षिणा करें। उस समय नारायण, रुद्र, ब्रह्मा जी या वरुण संबंधी सूक्त का पाठ करें अथवा वीरघन, ऋषभ, अर्घमर्षण, गायत्री या मुझ से संबंध रखने वाले वैष्णव मंत्र का जप करें। यह जप 100 बार या 108 बार अथवा 1000 बार करना चाहिए। तदनंतर पवित्र एवं एकाग्रचित होकर मध्यकाल में यतन पूर्वक खीर या जौ की लपसी बनाकर तैयार करें अथवा सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी या गूलर की लकड़ी का पात्र अथवा यज्ञ के लिए उपयोगी वृक्षों के हरे पत्तों का दोना बनाकर हाथ में ले लें और उसको ऊपर से ढक लें। फिर सावधान पूर्वक 7 ब्राह्मणों के घर पर जाकर भिक्षा मांगें। 7 से अधिक घरों पर ना जाएं। गौ दोहने में जितनी देर लगती है उतने ही समय तक एक द्वार पर खड़ा होकर भिक्षा के लिए प्रतीक्षा करे, मौन रहे और इंद्रियों पर काबू रखे। भिक्षा मांगने वाला पुरुष ना तो हंसे, ना इधर उधर दृष्टि डाले और ना किसी स्त्री से बातचीत करे। यदि मल, मूत्र, चंडाल, रज, सवला स्त्री, पतित मनुष्य तथा कुत्ते पर दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य जी का दर्शन करे। तदनंतर अपने घर आकर भिक्षा पात्र को जमीन पर रख दे और पैरों को घुटनों तक तथा हाथों को दोनों कोहनियों तक धो डाले। इसके बाद जल से आचमन करके अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करे। फिर उस भिक्षा के 5 या 7 भाग करके उतने ही पिंड बना ले। उनमें से एक एक पिंड क्रमशः सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि, सोम, वरुण तथा विश्व देवों को निवेदन करे और अंत में जो एक पिंड बच जाए उसको ऐसा बना ले जिससे वह सुगमता पूर्वक मुंह में आ सके। फिर पवित्र भाव से पूर्वाभिमुख होकर उस पिंड को दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्र भाग पर रखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करे और 3 उंगलियों से ही उसे मुंह में डालकर खा जाए। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ता और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन घटता रहता है, उसी प्रकार पिंडों की मात्रा भी
शुक्ल पक्ष में बढ़ती और कृष्ण पक्ष में घटती रहती है। चंद्रायण व्रत करने वाले के लिए प्रतिदिन 3 समय, 2 समय अथवा 1 समय भी स्नान करने का विधान मिलता है। उसे सदा ब्रह्मचारी रहना चाहिए, दिन में एक जगह खड़ा ना रहे, रात को वीरासन से बैठे अथवा वेदी पर या वृक्ष की जड़ पर सो रहे। बलकन, रेशम, सन अथवा कपास का वस्त्र धारण करे। इस प्रकार 1 महीने बाद चंद्रायण व्रत पूर्ण होने पर उद्योग करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। चंद्रायण व्रत के आचरण से मनुष्य के समस्त पाप सूखे कांठ की भांति तुरंत जलकर खाक हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, सुवर्ण की चोरी, भ्रूण हत्या, मदिरापान और गुरु स्त्री गमन आदि जितने भी पाप या पातक होते हैं वे चंद्रायण व्रत से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे हवा के वेग से धूल उड़ जाती है।